हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्टेप टू किचन में। आज स्टेप टू किचन से रेसिपी है किड्स ऑल टाइम फेवरेट चॉकलेट कपकेक्स, जिसे मैं ओवन और कढ़ाई दोनों में बनाकर बताऊंगी। वीडियो को एंड तक देखें कि सॉफ्ट एंड मॉइस्ट कपकेक कैसे बनाएंगी। और रेसिपी पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड बेल बटन ज़रूर प्रेस करें। तो शुरू करते हैं कपकेक्स बनाना। इसके लिए 1.5 कप मैदा लेंगे, 1/2 टीस्पून बेकिंग पाउडर, 1/2 टीस्पून बेकिंग सोडा, 1/4 टीस्पून लेंगे सॉल्ट और 3 टीस्पून लेंगे कोको पाउडर। इन सभी को एक साथ अच्छे से छानना है। छानने से केक, मफिन्स, कपकेक सॉफ्ट बनते हैं, तो बेकिंग में ये बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। इसे मिक्स कर लेंगे। अब एक दूसरा बॉल लेंगे जिसमें 1/2 कप मिल्क लेंगे। मिल्क यहाँ पे नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे लिया है। इसमें डालेंगे 1/3 कप ऑयल, रिफाइंड ऑयल, आप बटर भी ले सकते हैं। 1 कप पाउडर शुगर, यहाँ नॉर्मल शुगर को मिक्सर में पीस कर पाउडर करा है। 1/2 टीस्पून वनीला एसेंस, 1/2 टीस्पून कॉफी पाउडर। इन्हें अच्छे से फेंट लेंगे। अब ड्राई और वेट इंग्रेडिएंट को मिक्स करेंगे, और मिक्स करते टाइम इम्पॉर्टेंट है कि मैदा को थोड़ा थोड़ा करके मिक्स करें, जिससे बैटर एकदम स्मूथ तैयार होगा। यहाँ पे मैं 3 बैचेस में ड्राई इंग्रेडिएंट्स को मिक्स करूँगी। इसे जेंटली मिक्स करना है स्मूथ बैटर बनाने के लिए। थोड़ा सा ड्राई मिक्सचर और डालेंगे, और बेकिंग करते टाइम में ये कट एंड फॉल मेथड से मिक्स करा जाता है। यहाँ पे इस टाइम इसमें डालेंगे 1/4 कप मिल्क और ऐड करेंगे। और इस तरह ये स्मूथ बैटर रेडी हो जाएगा। ये बैटर तैयार है। अब इसमें डालेंगे 1 टेबलस्पून विनेगर, 1/4 टेबलस्पून इसे एकदम जेंटली फोल्ड करते हुए मिक्स करना है। ये मिक्स हो गया है। इसे 5 मिनट के लिए साइड में रख देंगे। कपकेक मोल्ड लेंगे जिसमें ये लाइनर लगाए हैं। आप कपकेक ट्रे का भी यूज कर सकते हैं। और इसमें बैटर डालेंगे, और बैटर को जस्ट 1/2 फिल करना है हमें। ओवन को 180 डिग्री पर 10 मिनट्स के लिए प्रीहीट कर लिया है। अब इसके ऊपर डालेंगे चोको चिप्स और इन्हें ओवन में रखेंगे। ओवन में 15 मिनट्स के लिए रखना है सेम टेम्परेचर पर। और अब कढ़ाई में कैसे बनाएंगी, तो कढ़ाई में सेम आप कटोरियों का भी यूज कर सकते हैं। उसमें लाइनर लगाएंगे, कपकेक लाइनर, और बैटर को 1/2 फिल कर लेंगे। कढ़ाई को 5 मिनट के लिए प्रीहीट करा है मीडियम फ्लेम पर, और ये इस तरह एक स्टैंड रख देंगे और उसके ऊपर इस मोल्ड को रखेंगे। इन्हें 15 मिनट्स के लिए बेक करेंगे और ऊपर से कवर कर देंगे। ये ओवन के कपकेक्स ऑलमोस्ट बनकर रेडी हैं। इन्हें टूथपिक से चेक करेंगे। ये टूथपिक डालेंगे
और टूथपिक एकदम क्लीन आता है, इसका मतलब ये परफेक्टली बेक हो गया है। ये देखिए, इन्हें सॉफ्ट कॉटन के कपड़े से ढक देंगे और ठंडा होने देंगे। कपड़े से ढकने से कपकेक की ऊपरी लेयर एकदम सॉफ्ट रहेगी, तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। अब कढ़ाई में चेक करेंगे कि कढ़ाई वाले कपकेक्स रेडी हैं क्या। सेम टूथपिक से चेक करेंगे हम, ये एकदम क्लीन टूथपिक आई है, इसका मतलब है ये भी बेक हैं एकदम। इन्हें निकालेंगे और इन्हें भी ठंडा होने देंगे। ये कपकेक्स बनकर तैयार हैं। कपकेक्स बहुत सी मेथड से बनाए जाते हैं, आप इस तरह से भी बनाकर देखिए, ये एकदम सॉफ्ट और मॉइस्ट बनेंगे। आप इन्हें व्हीपिंग क्रीम से इस तरह डेकोरेट भी कर सकते हैं, जो बच्चों को बहुत पसंद आते हैं। ये देखिए, एकदम सॉफ्ट एंड स्पंजी कपकेक्स बनकर तैयार हुए हैं। ज़रूर ट्राई कीजिए ये चॉकलेट कपकेक्स और बताइए कि कैसे बने हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस रेसिपी, और जल्दी मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ।